हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो जैसा मैं लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले को देख लिया था, ठीक है, और साथ साथ हमने देख लिया था पीरियोडिक ट्रेंड में पीरियोडिक टेबल में वो किस तरीके से वेरिएशन करेंगे। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज होगी, और लेफ्ट टू राइट की ओर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज होगी। और साथ साथ हमने देखा था फ्लोरिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आपकी किसकी होती है बच्चों, फ्लोरिन की। तो हम कल के फॉर्मूले पे बेसिस कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं सबसे पहले आज, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, अब बात को ध्यान से समझना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एट पॉलिंग स्केल, मतलब पॉलिंग स्केल पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करना है। अब देखो, गिवन दैट का मतलब क्या होगा बच्चों, यहां पर एनर्जी ऑफ HH, यहां पर एनर्जी ऑफ CC और यहां पर एनर्जी ऑफ CH। एनर्जी ऑफ HH कितना होगा बच्चों, यहां पर 104.2 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है, ठीक है। एनर्जी सब कुछ दिया हुआ है, किलो कैलोरी दिया हुआ है, सॉरी ये आपका क्या दिया हुआ है, किलो जूल दिया होता तो फॉर्मूला चेंज हो जाता, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। और यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, 83.1 किलो कैलोरी पर मोल, और यहां पर आपको कितना दिया हुआ है बच्चों, देख लेते हैं, 98.8 किलो कैलोरी पर मोल, ये आपको दी हुई वैल्यू, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, ये तो मैंने आपको बता रखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन वैसे भी आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन कितना हो, यहां पर दिया हुआ है बच्चों 2.1, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, कार्बन का जो पॉलिंग स्केल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपको कैलकुलेट करना है। ये आपको काफी इजी कंसेप्ट है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम यहां पर किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, आप लोगों को इजिली समझ में आ जाएगा यहां पर। तो यहां पर सबसे पहले हम लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। जैसे पॉलिंग स्केल के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, मैंने आपको लिखाया था ना सॉल्यूशन समझते बच्चों, पॉलिंग स्केल के लिए आप लोगों का फॉर्मूला क्या होता था, अब देखो, काई सी माइनस काई एच इक्वल टू 0.208 आपका ऐसा फॉर्मूला था 0.208। अब यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, रूट में डेल्टा, ठीक है, रूट में आपका डेल्टा। अब डेल्टा का मतलब क्या होता है बच्चों, बॉन्ड एनर्जी ऑफ, अब देखो सी और एच बॉन्ड है तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच बॉन्ड माइनस यहां पर क्या आ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सी प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सी प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी प्लस नहीं, यहां मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ, इस तरीके से हम यहां पर फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। यहां पर हम लोगों को फॉर्मूला मिला है, अब आप लोग एक बार कोशिश करो खुद से कि किस तरीके से हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे, देन आफ्टर मैं आपको बताता हूं, पहले इसको आप लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करो, और साथ में यहां पर क्या लग जाएगा बच्चों, यहां पर आपका अंडर रूट। अब जल्दी से बताओ बच्चों, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो, देखो उसकी कैसे करेंगे, डेल्टा आपका सी एच बॉन्ड कितना है बच्चों, यहां पर 98.8 माइनस अंडर रूट ऑफ सी सी बॉन्ड आपका कितना है 83.1 मल्टीप्लाई बाय 104.2, ये आपकी वैल्यू है। अब यहां पर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, जल्दी से बताओ, यहां पर डेल्टा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी। अब देखो, इसी डेल्टा की वैल्यू को मैं इसके अंदर रख देता हूं, ठीक है, मैं डायरेक्टली बताऊंगा, आप लोग एक बार कोशिश करना। देखो, काई सी माइनस काई एच की वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एच की वैल्यू 2.1 मल्टीप्लाई बाई, जब मैं डेल्टा की वैल्यू इसके अंदर रख दूंगा तो आपकी टोटल वैल्यू यहां पर जो आएगी बच्चों वो आ जाएगी यहां पर, सॉरी, इक्वल टू 0.49
498। अब मैं यहां पर सी की वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो यहां पर काई सी की वैल्यू, देखो ध्यान से इसको बनाने का भी तरीका समझो बच्चों, काई सी की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी बच्चों, देखो जीरो यहां पर आपका इस तरफ जाएगा तो 2.1 प्लस 0.498 मतलब अप्रोक्सीमेट आपका कितना आ जाएगा बच्चों 2.5। तो इस तरीके से हमने पॉलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का फॉर्मूले को देखा। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डेल्टा, और डेल्टा आपका क्या होता है बच्चों, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच माइनस अंडर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सी मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या जाएगा बच्चों, यहां पर सी एच। तो इस तरीके से हम यहां पर पॉलिंग स्केल के थ्रू आपका फॉर्मूले को डील कर सकते हैं। नाउ बच्चों आप देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, ध्यान से समझना हमारा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं बच्चों, ताकि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ जाए कंसेप्ट कि किस तरीके से हमको कंसेप्ट को डील करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन ऑन पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन ऑन पॉलिंग स्केल इज 4.0। ठीक है, ये तो आपको दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट इट्स वैल्यू ऑन मोलिकन स्केल, कैलकुलेट इट्स वैल्यू ऑन मुलिकन स्केल पे आपको कैलकुलेट फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करेंगे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आपका क्या होता है मुलिकन स्केल से कितने टाइम्स आपका ज्यादा होता है पॉलिंग स्केल का फॉर्मूला, मैंने कुछ ऐसा बताया था, आई होप कि आप लोगों को याद होगा। कल मैंने आपको मुलिकन स्केल का भी बताया था, तो मुलिकन स्केल का आपका एक्चुअली में फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताओ यहां पर मुलिकन स्केल का आपका फॉर्मूला क्या होता है। आप लोगों को मैंने ऐसा लिखवाया था कि आपका जो पॉलिंग स्केल की जो वैल्यू होती है, देखो यहां पर काई मुलिकन, ठीक है, आप ऐसे लिख लो यहां पर काई पॉलिंग इक्वल टू काई मुलिकन डिवाइडेड बाय 2.8। ठीक है, ऐसा होता है। अब देखो यहां पर आप लोग अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, ये तो आपका फॉर्मूला था, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो ये वाला तो समझ में आएगा, काई मुलिकन इक्वल टू आई ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाई 2, ऐसा हमने लिखा था। अब मैं इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग में लिखना चाहता था, तो मैं क्या लिखता था, आई ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2.8, और ये वाली वैल्यू आपकी किसके लिए होती थी बच्चों, मुलिकन के लिए, तो यहां पर मुलिकन डिवाइडेड बाय 2.8, तो मैंने वही लिखा। ठीक है, अब देखो मुलिकन डिवाइडेड बाय 2.8 मैंने लिख दिया, तो अब यहां पर आपको पोलिंग स्केल पे 4 है, तो पोलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की कितनी हो गई बच्चों 4, और आपकी मुलिकन स्केल पे निकालना है तो डिवाइड बाय 2.8। नाउ मुलिकन स्केल पे आपकी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 2.8 मल्टीप्लाई बाय 4। अब जल्दी से सॉल्व करो बच्चों इसको, एक बार कोशिश करो खुद से सॉल्व करने की, हमेशा खुद से कोशिश क्या करो बच्चों, तो यहां पर आपका आ जाएगा 11.2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चनों को डील किया। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है, एक दो बार करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर एक और कुछ क्वेश्चन था, यहां पर एक और क्वेश्चन, ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से, काफी इजीली आप लोग अगर करोगे तो आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगा, लेकिन चलो ठीक है, उस क्वेश्चन को हम बाद में डिटेल करेंगे, पहले इसको समझ लिया। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं इसके एक्सेप्शन पे। हाँ, अब हम चलते हैं इसके एक्सेप्शन पॉइंट पे, तो एक्सेप्शन तो होगा इसका भी, एक्सेप्शन के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉट पॉसिबल। अब देखो एक्सेप्शन एक एक करके देखते हैं बच्चों, एक्सेप्शन आपका क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना आपका कि सबसे पहला एक्सेप्शन आपके कौन कौन से ग्रुप में होगा, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला आपका ग्रुप 13,
ग्रुप 13 में, ग्रुप 13 में आप लोग जानते हो बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी में मैंने लिखवाया था गैलियम का और एल्यूमिनियम का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक्सेप्शन नहीं होता था बच्चों, इस बात का ध्यान रखना आपका, क्योंकि केवल और केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में होगा और आपका आयोनाइजेशन एनर्जी में होगा। तो ग्रुप 13 में आपका देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम के नीचे आता था बच्चों गैलियम, ठीक है, गैलियम कौन से पीरियड का, दोनों आपके एल्यूमिनियम आपके थर्ड पीरियड का एलिमेंट, ठीक है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट, ये बात को ध्यान से समझना, गैलियम आपका कौन से फोर्थ पीरियड का एलिमेंट, कौन से पीरियड का एलिमेंट, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट। अब देखो फोर्थ पीरियड के एलिमेंट के आगे आपके कौन से स्टार्ट हो जाते थे बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट को जनरली हम क्या बोलते हैं, जनरली बोलते हैं उसमें हम जिंक कैडमियम, जनरली हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। और आपका इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में भरते हैं, इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन डी ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन को हम कौन से है शेल में भरेंगे, सब शेल में डी ऑर्बिटल में भरेंगे। अब ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट आता है। और डी ब्लॉक में डी ऑर्बिटल में भरेंगे, और डी ऑर्बिटल हैविंग अ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, डी ऑर्बिटल का क्या होता है बच्चों, पुअर शील्डिंग होता है, और पुअर शील्डिंग होने की वजह से इसके साइज में कॉन्ट्रैक्शन आता है, और साइज में कॉन्ट्रैक्शन आता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहां पर आपका हैंस, आपका क्या बना बच्चों, हैंस समझना बच्चों, गैलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है एल्यूमिनियम से, क्यों होता है, अब देखो यहां पर आप समझ सकते हो, पुअर शील्डिंग होने की वजह से साइज आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी, और किसकी वजह से होगी, ट्रांजिशन एलिमेंट की, ड्यू टू द ट्रांजिशन एलिमेंट कॉन्ट्रैक्शन। ये आप समझ सकते हो अच्छे से, ट्रांजिशन एलिमेंट कॉन्ट्रैक्शन। अब आपको सारे एक्सेप्शन समझ में आ रहे होंगे क्योंकि आपने पहले इसका काफी अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पर कॉन्ट्रैक्शन को निकाल सकते हैं बच्चों। तो ये तो था हमारा कौन सा, पहला एक्सेप्शन, ये हमारा हो गया बच्चों यहां पर पहला एक्सेप्शन। अब देखो यहां पर दूसरा एक्सेप्शन आप लोगों को समझना चाहिए बच्चों कि यहां पर दूसरा एक्सेप्शन आपका ग्रुप, सेकंड एक्सेप्शन आपका चलता है बच्चों आपका ग्रुप 18 में क्या होता है बच्चों, आपका नोबल गैस या फिर हमको बोलेंगे इनर्ट गैस, ठीक है, या फिर हम बोलेंगे नॉन रिएक्टिव गैस। सारे के सारे गैस होते हैं बच्चों, इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है, नोबल गैस, इनर्ट गैस और नॉन रिएक्टिव गैस, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हमेशा क्या होगी बच्चों, जीरो। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हमेशा क्या होगी बच्चों, जीरो, ठीक है। अगला देखते हैं बच्चों यहां पर आपका ग्रुप 17B, ठीक है, ग्रुप 17B या फिर मैं बोल देता हूँ इसको ग्रुप 12, मतलब कौन कौन सा, जिंक कैडमियम और मरकरी। अब बताओ बच्चों जिंक कैडमियम और मरकरी में क्या होगा, यहां पर जिंक कैडमियम और मरकरी में जैसे ही मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा इन तीनों में, डाउन द ग्रुप मूव करूंगा तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहां पर आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होगा। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ड्यू टू द एफ ब्लॉक एलिमेंट कॉन्ट्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो यहां पर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इस बात का खासा ध्यान रखना। वैसे तो जनरली डाउन द ग्रुप जाते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, लेकिन जिंक कैडमियम मरकरी के केस में आपका अलग कंडीशन है, ठीक है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखो।
यहां तक तो आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको यहां पर देखना है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझना बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम चलते बच्चों इसके एप्लीकेशन पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे बच्चों? एप्लीकेशन पॉइंट पे। तो हमारा एप्लीकेशन पॉइंट एक एक करके ध्यान से समझते हैं कि एप्लीकेशन क्या होता है बच्चों इसका। अब मैं आपको एक एक करके एप्लीकेशन बताता हूं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन हम किस तरीके से निकालेंगे बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो देखते हैं बच्चों, देखो ध्यान से। अब यहां पर मैं क्या बोलूंगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे पहला एप्लीकेशन नॉन मेटल एंड मेटल्स, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब यहां पर ध्यान से समझना, मेटल क्या होता है, मेटल आपका पीरियोडिक टेबल में इस तरफ आता था और वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होगी, कम होगी। मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों क्या हो जाएगी, बच्चों आपकी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चों, मेटल की लो होगी। और अगर मैं बात करूं नॉन मेटल, तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी हाई। बस इतना ध्यान देना। तो हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट विच हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इट्स कैन बी अ नॉन मेटल, एंड एलिमेंट्स विच हैविंग अ लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इज कॉल्ड मेटल। और मेटल को हम क्या बोलते हैं, इसीलिए मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। मतलब विच कैन, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ध्यान से समझना, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा नॉन मेटल और मेटल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टी पे, बॉन्ड लेंथ। अब ध्यान से समझना बच्चों, बॉन्ड पैरामीटर यहीं से समझेंगे हम, फिर उसके बाद मैं आपको और भी बताऊंगा, ठीक है, और भी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। तो बॉन्ड लेंथ को समझते हैं यहां पर, देखो बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट एप्लीकेशन बच्चों बॉन्ड लेंथ, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन आपका है बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ आपका क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान से समझना, बॉन्ड लेंथ आपका क्या बोल रहा है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ में बच्चों आपका क्या होगा, एक्चुअली में बॉन्ड लेंथ में आपका देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। अब ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर बॉन्ड लेंथ के लिए अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, आपका बॉन्ड लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो कैसे होगा, देखो जितना ज्यादा देखो आप खुद ही बताओ, जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ हो, उतना ज्यादा उतना कम आपका बॉन्ड लेंथ होगा। क्यों? क्योंकि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को पुश करके अपनी ओर बुला लेंगे, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को पुश करके अपनी ओर बुला लेंगे, तो वो उससे बॉन्ड को क्या होगा, बॉन्ड को कंप्रेस कर देगा, बॉन्ड को क्या कर देगा बच्चों, कंप्रेस कर देगा। ध्यान से समझना जी, जैसे मेरे पास HCl एटम है, HCl एटम में ये आपके अगर इसको बुलाएगा तो ये आपको यहां पर बुलाएगा, तो ये थोड़ा सा बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बॉन्ड आपका क्या होता जाता है बच्चों, कंप्रेस होता जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, इस तरीके से भी बोल सकते हो। जैसे एज एग्जाम्पल हम देखते हैं बच्चों, यहां पर एज एग्जाम्पल हम देखते हैं बच्चों, मैंने यहां पर लिया HF, एक मैंने लिया HCl, एक मैंने लिया HBr, एक मैंने लिया HI, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शन होते हैं बच्चों, इसके भी रूल के भी एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन आप थोड़ा इसको समझो ध्यान से, ठीक है। यहां पर आपका HF है, अब देखो H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी कितनी होगी 4.0, इसकी कितनी होगी 3.5 अप्रोक्स, सॉरी इसका कितना होगा 3 अप्रोक्स, और इसका कितना होगा बच्चों यहां पर 2.8, और इसका कितना होगा 2.5। आप देख सकते हो कि दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका कहां सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका यहां पर सबसे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन HF
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ई एन लिख देता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एच सी एल, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एच बी आर, और डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन एच आई। अब बताओ कहाँ सबसे ज्यादा है, एच इसमें, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, बॉन्ड लेंथ समझना, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कौन होगा बच्चों, यहाँ पर एच आई का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, एच आई का बॉन्ड लेंथ आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे ज्यादा, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा एच आई का बॉन्ड लेंथ आपका सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन को डील करेंगे, जैसे जैसे आपके क्या बढ़ेगा बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ आपका घटेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ आपका घटेगा। तो यहाँ पर आपका एच एफ का मैंने बताया, ठीक है, अभी तो मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया है, धीरे धीरे मैं काफी एग्जाम्पल लूंगा, एक साथ में लूंगा कि कौन सा एप्लीकेशन को कहाँ लगाना है, मैं वो एग्जाम्पल लूंगा तब आपको समझ में आएगा। बस अभी तो समझते जाओ कि किस तरीके से हमको एप्लीकेशन को समझना है। अगला एप्लीकेशन है बच्चों बॉन्ड एनर्जी। अब देखो यहां पर बॉन्ड एनर्जी को समझने का सबसे सिंपल बात है, बॉन्ड एनर्जी क्या होगा बच्चों, अब ध्यान देना, जितना ज्यादा बॉन्ड छोटा होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा हाई बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होगी, ठीक है, उतनी ही आपकी कम होगी। तो बॉन्ड एनर्जी हम क्या बोल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बात को ध्यान से समझना, बॉन्ड एनर्जी आपका बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो बच्चों अगर मैं देखना चाहूँ बॉन्ड लेंथ का, और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो इसी एग्जाम्पल को मैं नीचे लेता हूँ बच्चों, सिमिलर एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। एक मैंने ले लिया एच एफ, मैंने यहाँ ले लिया एच एफ, मैंने ले लिया एच सी एल, मैंने ले लिया एच बी आर, मैंने ले लिया एच आई, ठीक है। अब फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालने की मुझे जरूरत नहीं है, आप लोग देख सकते हो ऊपर से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन एच सी एल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन एच बी आर, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन एच आई। अब आप लोग देख सकते हो ऊपर से कि अगर मैं बॉन्ड लेंथ बोलूंगा तो बॉन्ड लेंथ आपका किसका मैक्सिमम होगा बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका इसका मैक्सिमम है तो बॉन्ड लेंथ आपका इसका छोटा हो जाएगा, तो एच एफ का आपका बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया, एच एफ का आपका बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया, ठीक है, एच एफ का आपका बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये आपका हो गया बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड ऑर्डर जस्ट क्या होता है बच्चों, इसका उल्टा होता है बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालेंगे बच्चों, एच एफ का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, फिर उसके बाद एच सी एल का होगा, फिर उसके बाद एच बी आर का होगा, और उसके बाद आपका एच आई का होगा, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होगा, इस बॉन्ड एनर्जी का मतलब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझ लो, ठीक है। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और भी बॉन्ड एनर्जी होती है, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, मल्टीपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी हमेशा क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। यहीं पर मैं एक्स्ट्रा में बता देता हूं, मल्टीपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी आपकी हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या रिलेशनशिप है, अब मैं आपको बताता हूं, देखना। एक होता है बच्चों आपके, जो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे या आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, मैं आपको पहले बता देता हूं, तो इसीलिए थोड़ा सा बस समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो तीन टाइप के होते हैं हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3, ठीक है, sp2 sp3, ठीक है। अब बात को समझना, यहां पर आपका sp का मतलब दो पाई बॉन्ड, ठीक है, यहां पर आपका एक पाई बॉन्ड, और यहां पर आपका क्या होगा बच्चों, जीरो पाई बॉन्ड। अब आप समझ रहे होंगे पाई बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड, यहां पर आपका सिग्मा बॉन्ड भी होता है, एक सिग्मा बॉन्ड, यहां पर आपके एक सिग्मा बॉन्ड, यहां पर आपका ओनली सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इस तरीके का होता है बच्चों। आप लोग घबरा रहे होंगे कि अब ये पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कौन सी बला है, ठीक है बच्चों, ये तो मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताऊंगा अच्छे से, लेकिन यहां आप समझो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं एसपी क्या होता है, एसपी आपका होता है, जैसे मैंने यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनाया, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड मैंने बनाया यहां पर, ध्यान से समझना,
ये मैंने कार्बन कार्बन के बीच मैंने ट्रिपल बॉन्ड बनाया। ट्रिपल बॉन्ड में एक ऊपर वाला नीचे वाला पाई होता है, ये वाला बॉन्ड आपका सिग्मा होता है। ठीक है, ठीक है, यहां पर बस इसको इतना ध्यान से समझो। बस यहां पर मैंने इस तरीके से बनाया डबल बॉन्ड, तो ये पाई होगा और ये आपका सिग्मा होगा। ठीक है, अब मैंने इस तरीके से बनाया आपका, यहां पर ये आपका एक ही बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है। अब बात को समझना कि जब आपके पाई बॉन्ड इस कार्बन एटम के रेस्पेक्ट में दो पाई बॉन्ड है, तो मतलब ये वाला कार्बन एटम आपका क्या है, एसपी हाइब्रिड, और ये वाला कार्बन एटम भी आपका क्या होगा, एसपी हाइब्रिड। ये वाला कार्बन आपका क्या होगा बच्चों, एक पाई बॉन्ड है तो आपका क्या हो जाएगा, एसपी टू हाइब्रिड, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, एसपी टू हाइब्रिड। अब एसपी थ्री यहां पर जीरो पाई बॉन्ड है, तो ये भी आपका एसपी थ्री हाइब्रिड और ये आपका एसपी थ्री हाइब्रिड। अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एसपी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एसपी टू और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एसपी थ्री। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एसपी थ्री ऐसा क्यों होता है, आपको रीजन में आगे जाके अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन यहां एक बार कोशिश करो। एसपी हाइब्रिडाइज एटम आपका ऐसा होता है, ठीक है, यहां पर मैं बनाता हूं, देखो एसपी हाइब्रिडाइज एटम आपका ऐसा होगा। अब एसपी टू हाइब्रिडाइज एटम आपका थोड़ा सा बड़ा होगा और एसपी थ्री आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, अब ये मान लिया मैंने न्यूक्लियस, ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन का आपका न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, न्यूक्लियाई के ज्यादा क्लोज है, तो यहां पर आपका जेड इफेक्टिव ज्यादा अप्रोच होगा। जेड इफेक्टिव आपका किस पर मैक्सिमम लगेगा बच्चों, एसपी पे मैक्सिमम लगेगा, देन आफ्टर एसपी टू पर, देन आफ्टर एसपी थ्री पर। ये तो मैंने देख लिया बच्चों जेड इफेक्टिव के हिसाब से, नहीं तो सिंपली बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, क्योंकि एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देख बताओ यहां पर दो और बैटल है, एक एस है एक पी है, तो दोनों मिलकर एसपी बनाया, तो 50% एस और बैटल होगा, 50% पी और बैटल होगा, तो इसके अंदर कितना होगा, 50% एस कैरेक्टर होगा, इसके अंदर कितना होगा, 33.33%, और इसके अंदर होगा 25% एस कैरेक्टर। तो एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है, एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो देख सकते हो जिसका 50% है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है बच्चों, यहां से आप लोग समझ सकते हो कि यहां पर हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं इजिली। ठीक है, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से समझना बच्चों, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि यहां पर मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूं। देखो क्वेश्चन समझना बच्चों, क्वेश्चन समझना, देखें जैसे मैंने यहां पर बनाया CH3C, अभी बस मैं क्वेश्चन बना रहा हूं बच्चों, ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट उतना टफ मत समझना, ये यही चीज उतनी इजी है जितनी इजी आप लोग देख रहे हो। ठीक है, CH3 ये आपका एक्स और ये आपका वाई, ठीक है, और यहां पर मैंने बना दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया आपका वाई। अब आपसे पूछा है एक्स वाई में बॉन्ड लेंथ कितना होगा एक्स और वाई का, ठीक है, यहां पे हो गया CX और CY, ये हो गया फर्स्ट एटम में CX और CY और सेकंड एटम में CX और CY के बीच का बॉन्ड लेंथ आपको अरेंज करना है। बॉन्ड लेंथ आपको क्या करना है बच्चों, अरेंज करना है, तो किस तरीके से करेंगे ध्यान से समझेंगे। तो यहां मैं देखूंगा तो ये आपका कौन सा हाइब्रिड है बच्चों, sp3, और ये आपका कौन सा हाइब्रिड है sp2, ठीक है, यहां मैं देखूंगा तो ये आपका कौन सा हाइब्रिड है sp3, और ये आपका कौन सा हाइब्रिड है बच्चों sp हाइब्रिड। अब देखो sp हाइब्रिड और यहां पर देखो sp3 तो कॉमन है, साइज कहां छोटा हुआ, यहां आपका साइज छोटा हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो आप बोल सकते हो CX और CY इन सेकेंड एटम, ठीक है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा एस कंपेयर टू, यहां पर बोल सकते इसका बॉन्ड लेंथ आपका कम हो जाएगा, इसका बॉन्ड लेंथ आपका कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहां पर बढ़ेगा नहीं, यहां पर इसका बॉन्ड लेंथ आपका कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओवरलैपिंग कम होगी, तो बॉन्ड लेंथ यहां पर आप लोग बोल सकते हो बॉन्ड एनर्जी, तो यहां पर ऐसा हो जाएगा बच्चों CX CY और ये आपका फर्स्ट,
ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा लेकिन आप लोग समझ सकते हो कि ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पर C क्या है बच्चों, sp है और sp का साइज छोटा है, तो छोटे एटम अगर होंगे तो आपका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। यहाँ पर sp2 आपका क्या बच्चों, बड़ा एटम है तो बॉन्ड लेंथ आपका इंक्रीज हो जाएगा। चिंता वाली कोई बात नहीं है, सिमिलर कंसेप्ट में आपको बताऊंगा, सिमिलर कंसेप्ट में आपको आगे केमिकल बॉन्डिंग में बताऊंगा, लेकिन इसको एक बार आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने एक्स्ट्रा कंसेप्ट बताया या आप एक्स्ट्रा मार्क करके टिक कर एक्स्ट्रा मार्क कर सकते हो बच्चों, इस पे आपके क्या मार्क कर सकते हो बच्चों, एक्स्ट्रा मार्क कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एक्स्ट्रा मार्क कर सकते हो। नाउ अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट टॉपिक। देखो बॉन्ड एनर्जी समझ में आ गई, देखो ये अगर समझ में भी नहीं आया तो इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट एप्लीकेशन मेरा थर्ड, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर। अब देखो अब मैं आपसे सिंपल पूछूंगा, सिंपल एसिडिक कैरेक्टर, एसिड क्या होता है बच्चों, विच कैन डोनेट एच प्लस आयन इजिली, विच कैन डोनेट एच प्लस आयन इजिली, जो आपका एच प्लस आयन इजिली डोनेट कर दे, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझना चाहिए, जैसे मेरे पास एच सी एल है, अब देखो एच एफ है, एच सी एल है, फील करना बच्चों इसको, ठीक है, एच बी आर है और एच आई है। अब अगर बताओ एच प्लस आयन इजिली डोनेट कौन करेगा, अब ध्यान से समझो, फील करना, एच प्लस आयन इजिली डोनेट कौन करेगा। अब देखो एच और आई एफ के बीच में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है, और यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, कम है। अब जिसमें, अब देखो यहां पर मैं एज एग्जांपल बताता हूं, एच एफ और एच आई, अब देखो ये बॉन्ड में तोड़ने में एनर्जी लगेगी, ये बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगेगी, तभी आपका H प्लस निकलेगा, तभी आपका यहां से H प्लस निकलेगा। अब ये तो कौन से बॉन्ड को तोड़ने में आपको कम एनर्जी लगेगी, इस बॉन्ड को तोड़ने में आपकी कम एनर्जी लगेगी, मैंने आपको बताया था बॉन्ड एनर्जी वाला, इस बॉन्ड को तोड़ने में आपको कम एनर्जी लगेगी, तो इसका मतलब इसमें से H प्लस इजिली रिमूव हो जाएगा। समझ में आया कंसेप्ट है, ध्यान से। तो यहां पर अगर मैं बताऊं बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा है बच्चों, बॉन्ड एनर्जी यहां पर आपकी किसकी ज्यादा है, एच एफ की, और एच एफ की बॉन्ड एनर्जी आपकी ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां पर एच सी एल, अब मैं बताऊं यहां पर एसिडिक कैरेक्टर आपका किसका हो जाएगा बच्चों, एच एफ का लेस हो जाएगा, और एच सी एल और एच सी एल के बाद एच बी आर के बाद सबसे ज्यादा एसिडिक आपका एच आई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, मतलब थोड़ा सा अगर मैं हीट दूंगा तो ये आपका एच प्लस रिमूव कर देगा, तो इसीलिए हम बोलेंगे एच आई का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। बात क्लियर है। यहां पर अगला क्वेश्चन देख लेते बच्चों, एक और मैं एग्जाम्पल कराता हूँ बच्चों इसका, ताकि आप लोगों को समझ में आए। और ध्यान रखना, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक में अगर समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, ये आपको अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। इससे ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया ताकि आपको वहां तक ध्यान रहे थोड़ा बहुत, बस NH3 PH3 AsH3। अब मुझे बताओ डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका कम होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आपका कम होगा तो मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आपका कम होगा, देखो डाउन द ग्रुप जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर कम होगा तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तो यहां पर बॉन्ड लेंथ आपका ज्यादा होगा और यहां बॉन्ड लेंथ अगर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। आप लोग खुद से करो, एन और एच के बीच में लगा के रखना, तो बॉन्ड लेंथ में आपका किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है बच्चों, AsH3 का। जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, जिसका बॉन्ड लेंथ अगर आपका ज्यादा होगा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ। बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड लेंथ देखो कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, तो यहां पर आपका बॉन्ड लेंथ
इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बॉन्ड लेंथ कम होगा, तो यहां पर आपका बॉन्ड लेंथ इसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहां पर मैं बोल सकता हूं बॉन्ड एनर्जी, ऐसा मैंने बताया था, तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा, तो बॉन्ड एनर्जी जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम उसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, जिसका बॉन्ड लेंथ आपका सबसे कम उसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से हम यहां पर भी देख सकते हैं बच्चों, काफी इजिली हम यहां पर भी देख सकते हैं यहां पर कि बॉन्ड दो मिनट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो मिनट इसको देख लेते हैं बच्चों एक बार ध्यान से, ठीक है। बॉन्ड लेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका इसका सबसे कम होगा, तो इसका बॉन्ड लेंथ आपका इसका यहां पर AsS3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा, तो बॉन्ड लेंथ आपका ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ आपका ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। हाँ उल्टा कर दिया बच्चों शायद से, यहां पर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ आपका कम हो जाएगा, तो यहां पर आपका बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा तो ये आपका बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगा तो इसका मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ एसिडिक कैरेक्टर, तो एसिडिक कैरेक्टर आपका किसका मैक्सिमम होगा, जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। वही कंसेप्ट है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ आपका कम हो गया। तो इस तरीके से ही हमने कर दिया बच्चों, ठीक है, हम इजिली हम इस क्वेश्चनों को डील कर सकते हैं बच्चों। अब यहां पर मैं एक और चीज बताता हूं बच्चों, यहां पर समझने वाली बात यह है कि जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा वो जल्दी से रिएक्ट करेगा दूसरे मॉलिक्यूल से, जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपका कम होगा वो जल्दी से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ आपका रिएक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि वो जल्दी से टूट सकता है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल जल्दी से टूट सकता है। अब वो मॉलिक्यूल अगर आपका जल्दी से टूट जाएगा तो उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा तो वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फटाफट आपका रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है बच्चों, फटाफट आपका रिएक्ट कर जाएगा। तो आई होप कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, आई होप कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और एप्लीकेशन पढ़ेंगे, क्यों, इसके एप्लीकेशन को धीरे धीरे पढ़ाने का रीजन क्या है बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए, याद हो जाए, ठीक है, ये मेरा मोटो है और मेरा कोई और मोटो नहीं है बच्चों। आप लोग एक बार एप्लीकेशन को ध्यान से देखो, इसके 3-4 और एप्लीकेशन है वो मैं आपको बताऊंगा, देन आफ्टर हम इसके क्वेश्चन सेक्शन पे जाएंगे बच्चों, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, सो थैंक यू सो मच।